नमस्कार साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में 55 बिंदु थे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान बघेल सरकार के कामों की तारीफ भी की। हालांकि इस दौरान विपक्ष बार बार अभिभाषण को रोकने की कोशिश करता रहा। वहीं अभिभाषण के बाद निधन का उल्लेख नहीं करने और अनुपूरक चर्चा और अभिभाषण पर कृतज्ञता चर्चा के लिए एक ही दिन का समय तय करने को लेकर बीजेपी ने सदन से बहिर्गमन किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती के क्षेत्र में खासा ध्यान दिया है। प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों में चिराग योजना शुरू हुई है। इससे इन अंचलों में आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। जैविक खेती को राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। गोबर से जैविक खाद बनाया जा रहा है ताकि रासायनिक खाद की कमी से निपटा जा सके। इसके अलावा राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की महती योजना की सराहना की थी। अभिभाषण के दौरान लगातार विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साधते रहा। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात दिवंगत नेताओं के निधन का उल्लेख नहीं किए जाने को लेकर के विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में राज्यपाल का अपमान बुरा है, परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल से असत्य वाचन कराने का आरोप भी लगाया गया। इस दौरान आसंती से व्यवस्था की मांग विपक्ष ने की। अध्यक्ष चरणदास महंत ने परंपरा को नहीं तोड़ने की बात स्वीकारते हुए नई परंपरा जुड़े जाने की बात कही। महामहिम राज्यपाल के द्वारा चौथा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया और पूर्व के अगर तीन अभिभाषण को निकाल कर पढ़ा जाए, हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरा असत्य कथन कराया गया है। ये सरकार जो घोषणा करती है, जो कहती है, उसको करने में पूरी तरह से असफल रही है। छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विकास के काम हो नहीं रहे हैं। लगभग 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार 3 साल में ले चुकी है और ये जो कर्ज लिया गया है, इस कर्ज का उपयोग किसी पूंजीगत व्यय में ना करके ज्यादातर उपयोग राजस्व व्यय में किया गया है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। प्रतिपक्ष के पास ना कोई विषय वस्तु है, ना सरकार के ऊपर कुछ कहने की बात रह गई है। महामहिम का अभिभाषण सरकार का आने वाली योजनाओं का प्रतिबिंब करता है, जो विकास की योजनाएं होती हैं। और बहुत सौभाग्य से आदरणीय महामहिम जी ने एक एक अक्षर को बहुत गंभीरता से पढ़ा और आने वाले समय में हमारी सरकार क्या कुछ करने जा रही है, पिछले हमारी सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और यहाँ के आर्थिक विकास में, यहाँ के लोगों के विकास में, यहाँ के सामाजिक विकास में किन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में था। लेकिन दुर्भाग्य है, प्रतिपक्ष अभिभाषण शुरू होने के पहले ही राजनीति करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रतिपक्ष को भी महामहिम का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है प्रतिपक्ष पीछे झांक के देखता नहीं। आज ही आसंदी से जब उन्होंने आपत्ति की कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाना चाहिए, तो आसंदी से व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में 2010 में भी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हुआ था। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के तत्काल पश्चात निधन का उल्लेख जैसी कार्य सूची में कार्य शामिल थे, तो मैं समझता हूं कि केवल आपत्ति करने के लिए आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल का सम्मान करना छोड़ के अपने राज्यपाल को घेरने का कोशिश किया, ये बहुत दुर्भाग्य है, इसका निंदा करता हूँ। इसलिए बहुत समय है, 13 दिन है, बोलने का समय है, हम भी उसको बोलेंगे। लेकिन आज माननीय राज्यपाल महोदय के विरोध करना, मतलब मोदी जी को विरोध किए, ऐसे लोग सोचेंगे।
प्रथम दिन सत्र संचालन के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक अनुमान की उपस्थापना की। आसंदी की ओर से अनुपूरक अनुमान पर चर्चा के लिए 8 मार्च की तिथि तय की गई। इसे लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करने लगा। विपक्ष की ओर से सदन में ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता चर्चा और अनुपूरक चर्चा के लिए केवल एक ही दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि पर्याप्त नहीं है। सदन के समय में वृद्धि कर पर्याप्त चर्चा कराई जाने की मांग की गई। इस पर आसंदी की ओर से भरपूर समय दिए जाने और आगामी समय में विचार किए जाने का जवाब आया। आसंदी की व्यवस्था से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए बहिर्गमन किया। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सबसे कम अवधि के विधानसभा सत्र है, ये कोरोना काल में वैसी चर्चा नहीं हो पाई और अभी कोरोना समाप्त हो गया है। अमूमन 2 दिन और 3 दिन का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है और सभी पक्षों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, उसको एक दिन किया गया, ये परंपरा उचित नहीं है और जो प्रचलित परंपरा है उसको तोड़ने का काम इस विधानसभा के द्वारा की जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति हमको है कि राज्यपाल का अभिभाषण एक दिन का और उसमें भी चर्चा ना हो पाए, इसलिए आपने तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया और सेम डे में चर्चा का वो इसमें निर्धारित किया गया है, इस बात की हमको आपत्ति है। वास्तविक में ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, विधानसभा का सामना करना नहीं चाहती है और उससे विधानसभा से भागना चाहती है। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है, यदि यहां जनहित के मुद्दों की चर्चा नहीं होगी तो कहां पर चर्चा होगी। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई और आने के बाद में सत्र की अवधि लगातार घटते जा रही है, यही बजट सत्र है, 29 दिन का बजट सत्र होता था जिसको महज 13 दिन में ला करके रखा गया है और कुल मिलाकर के इस छत्तीसगढ़ विधानसभा के गरिमा को ये समाप्त करने जा रही है, जो उचित नहीं है। देखिए, बजट सत्र न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी जब भी हुआ है तो 24 से लेकर के 28 सिटिंग का बजट सत्र हुआ करता था। टोटल अगर कार्य के घंटे को अगर आप हिसाबेंगे तो अधिकतम लगभग 115 घंटे काम हुआ है बजट सत्र में और मिनिमम लगभग 87 घंटे काम हुआ है। हमने तो जिस समय विधानसभा का नोटिफिकेशन हुआ था, कोरोना का तीसरा वेव ओमिक्रॉन का पीक पे था, इसलिए इस प्रकार से ये कम दिनों का सत्र आहूत किया गया था। उसके बावजूद भी हम तैयार हैं सदन में बैठ करके चर्चा कराने के लिए। जितने कार्य घंटे बजट सत्र के 24 मीटिंगों में हुआ करती थी, उतने कार्य घंटे के लिए सरकार तैयार है। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं, अगर वो चाहें तो पहले भी ऐसा हो चुका है इस विधानसभा में, हम लोग शनिवार को भी बैठे हैं, रविवार को भी बैठे हैं, रात के 5 बजे तक भी विधानसभा हमारी चली हुई है और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो अवधि को कम मान करके, समय को कम मान करके अपनी बात को रखने से भागने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी में, ये बिल्कुल